अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है सब ठीक होंगे। मेरे पिजन को देखें, आज बबलू आया है कॉलोनी में, तो पिजन को बेचारे को मुसीबत डाली हुई है। इसको मैं अपने मास्टर केज की तरफ लेके आई थी, लेकिन पिजन बेचारे मुसीबत में आ गया है। इसके पीछे ही पड़ गया है बबलू। ये हेजल है, जिसे मैं प्यार से बबलू कहती हूँ, क्योंकि इसके बाप का नाम बबलू था। ये बिल्कुल वैसी ही शक्ल का है। ये देखें जरा कैसे उस पे अटैक करने के चक्करों में है क्या चीज़ ये छोटू सा। और उसे डरा के रखा हुआ है। वो बेचारा ऊपर चढ़ जाता है, कभी केज के ऊपर, कभी ऊपर कॉलोनी के, उड़ता फिर रहा है कि कहीं मुझे खा ना जाए। ओए मुन्ने, तुम हो क्या चीज़? तुम भला उस पे अटैक कर सकते हो? अब देखें, वो बेचारा ऊपर चढ़ के बैठा हुआ है, और ये रास्ते में बैठा है कि जाएगा कहाँ से। और जो पिजन तो बहुत मासूम परिंदा होता है। ये देखें, सारों को कॉलोनी से बाहर निकाल दिया, सारे यहाँ घर बेघर होके बैठे हुए हैं। सारे डर गए हैं किटन से। अब मैंने किटन को नहलाना शुरू कर दिया है। सारे किटन को इस चारपाई पे ले आई हूँ। मैंने कहा जब इस साइड पे आया है, यहाँ गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको नहला दूँ सारों को। ये चारपाई पे बैठे हुए थे। बबलू को भी इधर ही ले आती हूँ, क्योंकि पाइप मैंने पकड़ा हुआ था इधर। मैंने पिजन को पानी डालने आई थी। ये देखें जरा, ये तो बहुत प्यारा है। ये तो स्नो बहुत मजे से नहाता है, जरा भी नहीं नहाने से घबराता। देखें जरा, खड़ा है आराम से, और मैं इस पे पानी डाले जा रही हूँ। एग्रेसिव नहीं हो रहा, जरा भी नहीं हो रहा। पहले इसे अच्छी तरह नहला लूँ, क्योंकि इसे मजा आ रहा है। ये मिस्टर ब्राउनी आ गई है, मैडम ब्राउनी है ये। इसके भी काफ़ी अच्छी फर है, ये काफ़ी हेल्दी है ये भी। लेकिन मैंने देखा है कि जिस तरह से स्नो मज़े से नहाती है ना, ये वाले उतने मज़े से नहीं नहाते। अब मैंने टब भर लिया, बेला को इसमें लेके आती हूँ, बेला को इसमें नहलाती हूँ, क्योंकि बेला वैसे तो काबू नहीं आती, क्योंकि बेला को नहाना इतना पसंद नहीं है। देखें जरा, अब बेला को मज़ा आ रहा है। जब मैंने पकड़ा है, पकड़ के बैठ गई हूँ थोड़ी देर के लिए, ऊपर पानी डाला है, तो अब बेला को काफ़ी मज़ा आ रहा है पाइप से नहाने में, क्योंकि पानी ना तो ठंडा है और ना तो गर्म है, नॉर्मल सा पानी है। और बेला बैठी हुई है सुकून से टब के अंदर मज़े में, और इधर पिजन फिर रहा है मज़े करता हुआ। ये बेला से तो बिल्कुल नहीं डरता, बस बबलू डरा के रखता है इन सबको। बेला ने अपनी ग्रिप अच्छी तरह से कर ली है, ना तो बाहर आ रही है और ना बिल्कुल टब के अंदर जा रही है, बिल्कुल सही पोजीशन में बैठी हुई है। अगर मैं इसे अच्छी तरह नहला दूं, और सबसे बेस्ट यही है कि पाइप से आप खुले पानी से नहला दो इनको। ये देखें, बच्चे नहा के ऊपर बैठे हुए हैं, और नीचे पिजन दाना खा रहे हैं, और बच्चे उनको देख रहे हैं। किटन तो नहा के बड़े मज़े से बच्चों की तरह बैठ जाते हैं चारपाई पे। ये बबलू ये इनकी जान का दुश्मन, हेजल हेजल है ये, इनकी जान की दुश्मन बनी हुई है पिजन की। मजाक में करती है, या पता नहीं इसकी नेचर में है कि जिनके पीछे भाग जाती है, तो वो बेचारे डर के आगे आगे दौड़ते हैं। ये कैश यहाँ पे बहुत अच्छी जगह ढूंढ के बैठा है पिंजरे के ऊपर, इसे ये अच्छी जगह मिली है। नहा धो के ये केज के ऊपर बैठ गया, कि गंदा भी ना हो और सूख भी जाए। इनको देखें जरा, बड़े मजे से अपनी माँ को नहाते हुए देख रहे हैं। क्यूटू क्यूटू से, बड़े पारू से लग रहे हैं। ये भी तीनों ऊपर बैठे हुए हैं, वो उधर बैठा हुआ है। पिजन अपनी कॉलोनी के अंदर चले गए हैं, और बेला मैडम नहा रही हैं। ये सारे बेला का शो देख रहे हैं नहाते हुए, हालांकि बेला कोई मजाहमत नहीं कर रही, बिल्कुल मजे में नहा रही है। लेकिन जिस तरह ये नहा के बैठे हैं, अब इनको खिलाती हूँ।
क्योंकि ये फिर मज़े से खेलेंगे और इसी दौरान सूख जाएंगे। जितनी गर्मी है इन्हें ड्रायर से सुखाने की ज़रूरत ही नहीं है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। पिजन डर के एक दफ़ा तो कॉलोनी के अंदर आ गया, हालांकि इन्हें पता है कि ये इन्हें बच्चे कुछ नहीं कहेंगे। आप भी अपनी कैट को जब नहलाते हैं तो मजे मजे के काम किया करें, फिर नहलाया करें, तो फिर किटन को इतना फील नहीं होता कि हम नहा रहे हैं। ये देखें बेला को किसी ने नहीं पकड़ा हुआ, खुद ही मजे में बैठी हुई है कि मुझे नहलाते जाओ, मजा आ रहा है। अब देखें बेला को कितना मजा आ रहा है नहाते हुए, बस पाइप से नहला रही है और बेला नहा रही है, ना पकड़ा है ना कुछ है। और ये बच्चे भी ऑलमोस्ट सूख चुके हैं, ऊपर बैठे बैठे ही खुद ही सुखा लिया इन्होंने अपने आप को, कुछ गर्मी ने इनको सुखा दिया, कुछ खुद सूख चुके हैं। अब ये खेलने के मूड में है। स्टिक आ गई है जी सामने, माउस भी आ चुका है, अब किटन मैदान में है। अब माउस की खैर नहीं है, अब देखें ब्राउनी नीचे चारपाई की है तो वो भी खेल रही है इस माउस के साथ, ऊपर वाले ऊपर खेल रहे हैं। मौसम काफी गर्म था तो मैंने सोचा क्यों ना इनको नहला दूं, तो आज सारे किटन और बेला सबको नहला दिया मैंने, सारे फ्रेश हो चुके हैं, फ्रेश होके जो खेल रहे हैं, क्योंकि और ज्यादा फ्रेश हो गए नहा के। देखें चारों बच्चे जरा नहा के इस तरह से एक्टिव हो चुके हैं, अब जो खेलते रहेंगे। इसके बाद इनको मैं खाना खिलाऊंगी, उसके बाद ये सो जाएंगे। व्यूवर्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और मेरे किटन पे कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।